अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। तू जिससे प्यार करेगा, जो तेरे मोह में बंधेगा, तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। सही कहा बाबा ने, जो भी हमारे करीब आया है उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। पहले पायल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अरे कहां ना जाओ यहां से। मीरा को सिर्फ तकलीफें मिली हैं। बताओ सबको, बताओ ना, उस रात तुम हमारे कमरे में आई थी कि नहीं? हमें माफ कर दीजिए, पर हम आपके किसी काम नहीं आ पाए। हमारी हिम्मत टूट गई, पर हम हार गए। वो तो हमेशा हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार रहती है। पार्थ पर आने वाली सारी मुश्किलों को हमसे होकर गुजरना होगा। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अपने ग्रह नक्षत्रों का साया कभी उस पर मत पड़ने देना। अपनी बदकिस्मती का साया हम मीरा पर नहीं पड़ने देंगे। जो तेरे मोह में बंधेगा, तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। क्या हो गया पार, सब ठीक तो है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स।
तमाशे करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, और यही सब कुछ चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, तो एक काम करो, सड़क पर जाओ और वहां जाके तमाशे करो, चार पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि यहां तुम्हें कुछ हासिल होने वाला है नहीं। कभी किसी से प्यार मत करना जो तेरे मोह में बंधेगा, तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। मीरा अभी बाहर सो रही है। क्या मीरा? मीरा, मीरा उठो, यहां क्या कर रही हो? चलो उठो। चलो बैठो बैठो। अनिल बेटा तुम ठीक हो ना? जाओ बेटा, ये हालत तुम्हारी लल्ला ने की है ना? नहीं नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम रात को बाहर गए थे हवा खाने और वहीं बैठे बैठे आंख लग गई और हम सो गए बस। तुम जानती तुम्हारा झूठ हम एक मिनट में पकड़ लेते हैं, तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो। हम लल्ला की अभी खबर लेते हैं। नहीं दादी। लल्ला यहाँ आओ। क्या हुआ दादी? हमारे पास आओ। क्या हुआ? हमें पूछ रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत सार्थक मत करो पार्थ। ये क्या बर्ताव है अपनी पत्नी के साथ? हाँ
तुम जानते हो वो तुम्हें बेहद प्यार करती है और तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। दादी ये हमें प्यार करती है, हम इसे प्यार नहीं करते। और हमने कितनी बार कहा इसके प्यार की जरूरत नहीं है हमें। यहां से जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, सुनती नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो पार्थ? तुम मीरा तुम्हारी पत्नी है, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते? दादी हमें अच्छे से याद है कि ये हमारी पत्नी है और हमारी बाकी मुसीबत की तरह ये भी एक हमारी मुसीबत है। ये तो हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, वरना कब से पल्ला झाड़ लेते हैं। पार्थ, पार्थ! दादी आप बताइए हम क्या करें? नहीं क्या करें हम, आप बताइए, हम इससे प्यार नहीं करते ना। हमें मीरा बिल्कुल पसंद नहीं है दादी। जब से शादी हुई है दम घुटता है हमारा। मीरा पार्थ, हमने तो आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमने कोई उम्मीद नहीं रखी, हमने आपसे आपका वक्त भी नहीं मांगा और आपसे पत्नी होने का कोई हक नहीं मांगा पार्थ। हमने आपसे आज तक कोई आस भी नहीं लगाई पार्थ। मुझे माफ कर देना मीरा, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, अब हम और तुम्हारे दुख की वजह नहीं बन सकते। आस भी नहीं लगाई? तुम कहती नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाहती नहीं हो। तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना, हर वक्त हर घड़ी भीख मांगती हैं हमसे, हमारे प्यार के लिए। हमें ना सब समझ में आता है, लेकिन क्या करें मीरा, हम मजबूर हैं। प्यार एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं होता, इसलिए तुमसे कह रहे हैं यहां से तुम चली जाओ, क्योंकि जब तक तुम इस घर में हमारे साथ चिपकी रहोगी ना, तो तुम्हें एक उम्मीद बंधी रहेगी। तो क्या पता हम किसी दिन तुमसे प्यार कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं मीरा। इसलिए बोल रहे हैं यहां से चले जाओ, अपने दिमाग में ना ये बात घुसा लो, चल यहां से। ये तो कमाल हो गया सच्ची जीजी, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। असली क्लाइमेक्स तो अब शुरू होगा। कान तरस गए थे हमारे ये सुनने के लिए, अब आएगा असली मजा। दादी ये हमें प्यार करती है, हम इससे प्यार नहीं करते। और हमने कितनी बार कहा इसके प्यार की जरूरत नहीं है हमें।
मीरा तुम्हारी पत्नी है। हमें मीरा बिल्कुल पसंद नहीं है दादी, जब से शादी हुई है दम घुटता है हमारा। तो आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा? तुम्हारी जो ये आंखें हैं ना, हर वक्त हर घड़ी भीख मांगती हैं हमसे, हमारे प्यार के लिए। क्योंकि जब तक इस घर में हमारे साथ चुपकी रहोगी ना, तो तुम्हें एक उम्मीद बनी रहेगी। मीरा तुम्हारी क्या पता हम किसी भी तुम्हारी प्यार में प्यार नहीं है। हर घड़ी जब से शादी में आंगन होता है हमारा, सालो दलील होने की भी आदत हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छी परवरिश की है इसकी माँ ने जिजी, मगरमच्छ की खाल के साथ। वही तो, रोना पीटना सब हो रहा है, पर ढीठपना तो देखो, तस से मस नहीं हो रही है लड़की। सच्ची जिजी, अगर हमें हमारे पति इस तरह से अकालते और धुतकारते ना, तो हम तो इस घर की तरफ पीछे मुड़ के भी कभी ना देखते। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है मंजू, कोई भी गिरी से गिरी लड़की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। पर इसने तो अपना स्वाभिमान पहले ही कुएं में डाल दिया है। मजबूर है बेचारी, प्यार के हाथ हो वैसे देखा जाए तो औरत अगर ठान लेना तो अपने पति को यूं मुट्ठी में बांध कर रख सकती है। इसे नहीं रिझा सकती हैं औरतें, आखिर भगवान ने दिया ये हुनर उनको। अपने पति को दीवाना बनाने की वजह खुद ही दीवानी बनी घूम रही है बेचारी। जाने दो मंजू, हमें क्या लेना देना, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। चलो। सही कहा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पार्थ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? मॉलडीव्स की टिकट्स तुम्हारे और मीरा के लिए। हम काफी दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आई अंडरस्टैंड, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है और फिर ऊपर से पति पत्नी के बीच में तनातनी। एक्चुअली ना, तुम दोनों को एक ब्रेक चाहिए, सिर्फ एक दूसरे के साथ। तो जाओ जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और वैसे भी तुम्हारा हनीमून कहाँ हुआ है, जाओ जाके हनीमून मनाओ। जो तेरे मोह में बंधेगा तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। पागल हो गए आप? किस बात का हनीमून, जब हम दोनों का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता छोड़िए, कोई फीलिंग्स भी नहीं है, तो कौन सा टाइम स्पेंड करना है हमको? शादी में जब शादी जैसा कुछ होता है ना, तब होता है हनीमून। और क्या बात तुम्हें जी, माना कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मीरा की इज्जत ना करो, अपने रिश्ते की इज्जत ना करो।
ये मत भूलो कि तुम्हारे हर बुरे वक्त में सिर्फ मीरा ने ही तुम्हारा साथ दिया है। जाने दो मदद, मती मारी गई है इस लड़के की, दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। पता है कल पूरी रात मीरा को घर के बाहर रखा था उसने। हमारे घर की बहू चौखट में सोई थी। क्या क्या ऐसा छो बेटा? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम खुद ही गुस्से से बाहर निकल गए थे और वहां हमें नींद आ गई। इसमें पार्थ की कोई गलती नहीं है। बस करो मीरा, कब तक बचाती रहोगी पार्थ को? इसकी करतूतें बचाने लायक नहीं है। तुम तो हमें कह रही थी ना कि तुम बाहर हवा खाने गई थी और नींद लग गई। झूठ बोलना बंद करो, जो सच है वो बताओ। माँ हम अच्छी तरह से जानते हैं किसकी गलती है, और कब तक इसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी तुम? इसने तुम्हें घर के बाहर कर दिया और तुमने हमें इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। हाँ अरे इसी ने कोई कांड किया होगा। अब आप जज करने की कोशिश मत करिए, अभी कभी माफ मांगो उससे। माफ मांगो। हम नहीं मांगेंगे माफी। सही में मीरा से पीछा छुड़ाना चाहते हो? हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है। लड़की लड़की एक लड़की सब सह सकती है, मगर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाए।